सब लोग, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज मैं बनाने जा रही हूँ हलीम, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और सबको बहुत ही पसंद होती है। और जैसा कि अब ईद आने वाली है तो हर घर में ही हलीम बनेगी। इसके लिए मैंने लिया है ये आधा किलो बीफ, जिसे मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया ताकि वो जल्दी जो है पक जाए। और ये मैंने लिया है, एक ब्रांड है, सबको ही मालूम होगा, उसका पैकेट हलीम लिया है। तो ये उसके ग्रेन्स हैं, ये मैंने लिया है, पूरा पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ मैंने 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये जो पैकेट आया था उसके साथ ही ये मसाला भी आता है, हलीम मसाला, ये वही मसाला है। और ये प्याज, लेमन, अदरक और ग्रीन चिली, ये मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। प्याज को मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी, लेकिन मैंने अभी इसलिए नहीं कट किया क्योंकि ये पकने में जो है बहुत ज़्यादा देर लगेगी, तो अभी से काट के रखने का कोई मतलब नहीं है। अभी से काट के रखूँगी तो ये इसका रंग ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी से कट नहीं करी। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं पानी लिया है, इस पानी को मैं इस ग्रेन में डाल दूँगी और इसे मैं सोक कर दूँगी। हांडी में मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है और वो गर्म हो गया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। मसाला डाल दिया था और वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है, तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि मैंने गोश्त में मसाला ऐड कर दिया था। इतना मसाला मैंने बचा लिया है, बाकी सब मसाला मैंने इसमें डाल दिया था। और उसके बाद मैंने इसको 1 मिनट भुना है। भुनने के बाद जब ऑयल इसका साइड्स पे आ गया तो मैंने इसमें ये पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाता। और इसे मैं ठंडा करके इसके रेशे कर लूंगी। ये जो मैंने पहले से सोक करके रखी थी दालें, अब मैं इसको मसाले में शामिल कर दूंगी।
हलीम बिल्कुल रेडी है। आप ये देखिए इसकी थिकनेस चेक देखें। मजेदार हलीम तैयार है। इसे आप क्रिस्पी प्याज के साथ और लेमन के साथ सर्व करें और साथ चाट मसाला भी है। बहुत ही मज़े की लगता है ये। नान के साथ या चम्मच के साथ आप खाएं, बहुत ही लजीज बना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका हलीम बहुत अच्छा बने तो प्लीज़ इसको ब्लेंडर में मत डालिएगा या चॉपर यूज़ मत करें, इसको हाथ से ही मैश करें तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।